हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषीस और एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्केट में सर्किट होता क्या है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, प्राइस बैंड, इंडेक्स के ऊपर कैसा होता है, एफएनओ सेगमेंट में कैसा होता है, कोई स्टॉक अगर आईपीओ में लिस्टिंग हो रहा है आज उसका सर्किट क्या रहता है। ये सब जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग गलती क्या करते हैं, लेट से कोई सर्किट में कोई स्टॉक जा रहा है उसको इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कर लेते हैं, पहले से सेल कर देते हैं तो उसको बेच नहीं पाएंगे अगर वो सर्किट लग जाएगा तो उससे क्या होता है, ये सब रिलेटेड के ऊपर कंप्लीटली वीडियो में आपको समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखिए। आज से फिर से मैं आप लोगों के लिए इंट्राडे सीरीज जो कंटिन्यू चल रहा था वो वीडियो में अपलोड करूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है और कहीं ना कहीं मेरा ट्रेडिंग थोड़ा छूट रहा था, लास्ट मंथ में थोड़ा अवेलेबल नहीं था और पहले वीक का 7 दिन डेफिनेटली ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा रहता है, मैं थोड़ा सेल करने में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखता हूँ तो ट्रेडिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए पहले, फिर ये ट्रेडिंग और वीडियोस। तो आप लोगों के लिए आज से कंटिन्यूअसली फिर से मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट करूंगा तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। इसके बाद फिर इंट्राडे का सीरीज खत्म होने के बाद कैंडलस्टिक हो गया, उसके बाद ऑप्शन सीरीज हो गया, ये सब स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्किट होता क्या है, पहला बात है कि नहीं, मार्केट के अंदर सर्किट इसीलिए लगाया जाता है कि नहीं, जहां पे स्पेकुलेशन हो, वोलेटिलिटी ज्यादा हो, वन डायरेक्शनल मोमेंटम हो, वहां पे एक सर्किट लगा देते हैं कि नहीं, ये प्राइस के ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते, अगर स्टॉक गिर रहा है तो ये प्राइस के नीचे आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं, जो कैश मार्केट रहता है, इक्विटी रहता है, स्टॉक्स रहता है, उनका वैरी करता है, 2% से लेकर 10% तक वैरी करता है, इंडिविजुअली स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है। इसको मेजर कौन करता है, जो रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का, वो स्टॉक के ऊपर डिसाइड करता है कि नहीं, कौन से स्टॉक में कितना परसेंट का अपर सर्किट लोअर सर्किट होना चाहिए। लेट से कोई स्टॉक का अगर 10% का अपर सर्किट है या फिर 2% का अपर सर्किट है, कोई स्टॉक अगर 100 रुपीज में चल रहा है वो 102 हो जाएगा, तो 102 के ऊपर वो ट्रेड नहीं हो सकता, ये 102 में उस दिन वो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, इससे क्या होगा, अगर अपर सर्किट कोई स्टॉक में लगा है तो डेफिनेटली उसमें 100% बायर है, लोअर सर्किट अगर कोई स्टॉक में लगा है तो वो 100% सेलर है। ये ध्यान में रखिए, जो सर्किट स्टॉक्स में लगता है उसको प्राइस बैंड बोलते हैं। उसको प्राइस बैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक बैंड रहता है अपर सर्किट, एक लोअर सर्किट, इसी के लिए इसको एक बैंड बोला जाता है। और सर्किट जो वर्ड आया है वो वर्ड इंप्लीमेंट होता है इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स का भी प्राइस बैंड रहता है, 10% अगर कोई स्टॉक इंडेक्स गिर जाता है तो कुछ टाइम के लिए, लेट से उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन जो कैप होता है वो 10% 15% 20% के हिसाब से होता है। लेट से 1 बजे से पहले अगर इंडेक्स 10% गिर गया होगा तो 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग बंद किया जाएगा, फिर से प्री मार्केट फिर से ओपन होगा, फिर उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग। अगर 245 तक 10% गिर चुका है तो वहां पे हॉल्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ रूल्स है जो आपको एनएससी में जाके सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट में उनके मिल जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताने के लिए, लेट से क्या होता है, स्टॉक में कभी कभी आप देखते होंगे कोई स्टॉक कंटिन्यूअसली अपर सर्किट लगा के जाता है, या फिर एक बकरांगी हो गया, बकरांगी जैसे स्टॉक में कंटिन्यूअसली वो अपर लिमिट लगा के जाता है या फिर नीचे, तो ये सारे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहिए, इन्वेस्टिंग के लिए सही है लेकिन आप वो पोजिशन निकाल नहीं सकते। अगर कोई स्टॉक कंटिन्यूअसली अपर सर्किट लगा के जा रहा है और लोअर सर्किट लगा के आ रहा है तो आप उससे निकल नहीं पाएंगे, आप फंस जाएंगे। में क्या होता है, पहले आप स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं और उसको इवनिंग तक 320 तक आपको बायबैक करना रहता है, लेकिन अगर आप कोई स्टॉक खरीद लिए हैं और वो लोअर सर्किट लग गया है तो आप उसको बेच नहीं पाएंगे इंट्राडे के अंदर, उस दिन आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, वो जो आपका होल्डिंग होगा वो ऑक्शन में चला जाएगा, फिर उसके बाद ही आपका उसका कुछ रिजल्ट पता चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि नहीं, जिस स्टॉक्स में अपर सर्किट लोअर सर्किट कंटिन्यूसली लगते रहते हैं वो स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहिए, वो मैनिपुलेटेड स्टॉक हो सकते हैं जिससे आप फंस सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका स्टॉक्स के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर भी बात हो गया, और एफएनओ सेगमेंट के अंदर देयर इज नो कैप। देखिए, ये आप लोगों के लिए बेनिफिट भी हो सकता है, एफएनओ सेगमेंट के अंदर कोई सर्किट नहीं होता, अपर सर्किट कुछ नहीं होता, लोअर सर्किट कुछ नहीं होता, ये आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है, और जिन लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उन लोगों के लिए डेंजरियस भी हो सकता है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस के रिलेटेड और इंट्राडे के रिलेटेड, या फिर अगर जिन लोग ये नए वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको बहुत सारे स्टॉक आइडिया मैं देता रहता हूं और ये सब रूल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कभी भी ट्रेड लेने जाए तो स्टॉप लॉस जरूरी लगाना है, लेट्स से कि नहीं कोई स्टॉक 50% 70% 80% भी गिर सकता है, प्रीवियस टाइम आप जेट एवरेज हो गया, DHFL हो गया, यस बैंक हो गया, पीसी ज्वेलर हो गया, ये सब का एग्जांपल देख चुके हो, उसमें कोई सर्किट नहीं रहता, सर्किट हुआ तो ये प्राइस में आके बंद हो जाएगा, लेकिन सर्किट नहीं है मतलब वो दिन भर में पूरा नीचे भी आ सकता है और वोलाटाइल ऊपर नीचे हो सकता है,
जितने भी एफएनओ सेगमेंट में स्टॉक्स है 200 से लेकर 211 या 213 जो स्टॉक्स है एफएनओ सेगमेंट के अंदर, उसके अंदर कोई मार्केट कैप नहीं होता, सर्किट कुछ नहीं होता, ना अपर लिमिट ना लोअर लिमिट। तो ये सारे स्टॉक ज्यादातर प्रीफर करते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो मैं ज्यादातर जो एफएनओ सेगमेंट के अंदर स्टॉक्स रहते हैं उसी को ही मैं इंट्राडे में प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वहां पे वोलेटाइल ज्यादा रहता है। अगर आपके फेवर में मूवमेंट जाता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि वहां पे वॉल्यूम रहता नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, लेकिन इंट्राडे थोड़ा मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। ओके, एंड चलिए और एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे। आईपीओ जिस दिन लिस्टिंग होता है, एसबीआई एक कंपनी है, आईपीओ मैंने आपने खरीदा है या फिर उसको पता चला आपको कि नहीं, आज के दिन वो लिस्ट होने वाला है एनएससी में, तो जिस दिन वो लिस्ट होगा सेम डे में उसका कोई सर्किट नहीं होता। ये ध्यान रखिए, सेम डे के लिए कोई सर्किट नहीं रहता। स्टॉक के लिए एटलीस्ट एक प्राइस मूवमेंट चाहिए, एक सर्किट उसके लिए बनाने के लिए। हाँ, ये इतना वोलेटाइल स्टॉक है, उसका 5% का एक लिमिट रखते हैं वो बनाने के लिए। लेकिन जिस दिन फर्स्ट टाइम लिस्टेड होता है मार्केट कोई स्टॉक, उसमें का कोई लिमिट नहीं होता। थोड़ा सा आय बना के रखिए, जिस दिन कोई कंपनी लिस्टिंग होता है 10% 20% ऊपर नीचे हो सकता है। जिस जहां पे वोलेटाइल वहां पे आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन स्टॉक के अंदर अगर मार्केट बंद हो जाता है एक सर्टन प्राइस में आपको ट्रेड करने के लिए मौका नहीं मिलता, तो फिर आप फंस सकते हैं। तो मेरा जो सजेशन रहेगा, जो आज का टिप रहेगा, पहले मैंने आपको लर्निंग दे दिया क्या रहता है ये सर्किट इंडेक्स के ऊपर, कैश के ऊपर, आईपीओ के ऊपर, ये सब आपको आइडिया हो गया। अभी मैं आपको एक टिप देता हूं, जो स्टॉक एफएनओ सेगमेंट में है उन्हीं स्टॉक को आप कैश में ट्रेड करो, भले उसका फ्यूचर अभी अगर कैपिटल नहीं है ट्रेड मत करो, लेकिन उनका कैश ट्रेड करो। एसबीआई का एक फ्यूचर होता है, एसबीआई एक स्टॉक रहता है, कैश रहता है, तो आप कैश ट्रेड करो। उससे क्या होगा, आपको एक वोलेटाइल मिलेगा मार्केट के अंदर, एक वोलेटाइल मोमेंटम मिलेगा। तो हर दिन आपको 200 स्टॉक के अंदर अगर आप कुछ चीजें चूज करते हो वो ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांसेस है। अगर आपके फेवर में मूवमेंट जाता है कभी कभी 30% 40% भी हो जाता है, ये ध्यान में रखो। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। ये वीडियो का मेरा मोटिव था आप लोगों को समझाना अपर सर्किट लोअर सर्किट कैसा रहता है मार्केट के अंदर, प्राइस बैंड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मार्केट डेप्थ का पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगा, कल वो आप लोगों के लिए मैं अपडेट करूंगा 9:30 को। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।